हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने पांच मुख्य योजनाओं पर चर्चा करने वाला हूं जो भारत सरकार द्वारा संचालित हैं, जिनमें CGT MSE क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एंड फंड, PMFME प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंड एंटरप्राइजेस। जैसा कि हम इसके नाम से समझ सकते हैं, यह फूड एंटरप्राइजेस से या फूड लोन से संबंधित है। मुद्रा योजना माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। दोस्तों, इसके बारे में आसान शब्दों में मैं आपको कुछ संक्षेप जानकारी दूंगा, जैसे कि इसके मैक्सिमम लोन लिमिट क्या है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्या रहेंगे, टोटल फंड डिस्पर्स कितना किया जा चुका है 2023 तक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इसका, एंड यूजेस सिक्योरिटी एंड प्रॉपर्टी कोलेट्रल नीडेड और नॉट नीडेड। सबसे पहले बात करते हैं CGTMSE। इसकी मैक्सिमम लोन लिमिट है 5 करोड़ रुपए। PMEGP इसकी मैक्सिमम लिमिट है 50 लाख रुपए, आप बोर्ड पर देख सकते हैं। AIF इसकी मैक्सिमम लिमिट है 2 करोड़ रुपए। PMFME इसकी मैक्सिमम लिमिट रहेगी 10 करोड़ रुपए, और मुद्रा ये इसकी मैक्सिमम लिमिट रहेगी 10 लाख रुपए। अब बात करते हैं गवर्नमेंट बेनिफिट्स की। गवर्नमेंट बेनिफिट्स जो हमें CGTMSE में प्राप्त होता है, इसमें हमें कोई नो प्रॉपर्टी, ये हमारा इसका बेनिफिट रहेगा। PMEGP इसमें आपको 35% तक की सब्सिडी प्राप्त होती है, लेकिन उसके भी कुछ प्रावधान है। इसके लिए आपको EDP ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक ट्रेनिंग लेनी होती है, उसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो बहुत जानकारी से भरपूर होने वाली है। दोस्तों, AIF इसमें आपको 3% तक इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है। PMFME इसमें 10 लाख से 3 करोड़ तक की सब्सिडी प्राप्त होगी। मुद्रा इसमें कोई प्रॉपर्टी की नीड नहीं रहेगी। अब बात करते हैं सर 2023 तक टोटल फंड डिस्बर्स के विषय में। CGTMSE यह 1 लाख करोड़ 2023 तक फंड डिस्बर्स किया जा चुका है। PMEGP योजना के तहत 21,509 करोड़ की सब्सिडी डिस्बर्स की जा चुकी है 2023 तक। AIF इसमें आपका 53,455 करोड़ की सब्सिडी डिस्बर्स की जा चुकी है 2023 तक। PMFME इसमें 10,000 करोड़ तक एलोकेशन हो चुका है 2023 तक, और मुद्रा इसमें 20.43 लाख करोड़ का डिस्बर्समेंट किया जा चुका है। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के विषय में। CGTMSE इसके लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा हमारा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइजेस। PMEGP यह सिर्फ न्यू प्रोपराइटर के लिए रहेगी, इसमें कोई भी आप अपना नया प्रोपराइटर है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। AIF यह एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस से संबंधित रहेगा, और PMFME इसे आप इंडिविजुअल या फर्म के तहत आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मुद्रा योजना में भी सेम, आप इंडिविजुअल या फर्म के तहत इस तरह योजना का लाभ दे सकते हैं। एंड यूज दिस टर्म लोन एंड CC, टर्म लोन एंड CC। AIF ये एग्री प्रोडक्ट रहेगा, PMFME यह फूड प्रोसेसिंग से संबंधित रहेगा, मुद्रा यह टर्म लोन एंड CC रहेगा। बात करते हैं सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी और कोलेट्रल के विषय में। CGTMSE इसमें जैसे कि इसमें कोई कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं रहेगी। PMEGP में इसमें बिल्कुल रहेगी। AIF यह कंडीशन पर निर्धारित करता है कि आपका लोन कितना है, इसमें रहेगी भी और नहीं रहेगी, अलग अलग प्रावधान रहेंगे। PMFME इसमें भी रहेगी और नहीं रहेगी, मुद्रा योजना में नहीं रहेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि EDP ट्रेनिंग, तो क्या है EDP ट्रेनिंग? EDP ट्रेनिंग है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह ट्रेनिंग आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। यदि आपका जो लोन है वो 5 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट है तो इसमें आपको 10 दिन की ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी होगी, और अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो यह 60 घंटे का रहेगा। और अगर आपका लोन की जो लिमिट है वो 5 लाख से के अंतर्गत है तो इसकी ऑफलाइन
जो ट्रेनिंग रहेगी वो आपकी 5 दिन की रहेगी और ऑनलाइन जो ट्रेनिंग रहेगी वो 30 घंटों की रहेगी। यदि आप यह ईडीपी ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो आप इसमें जो 35% सब्सिडी है इसका लाभ नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा यह महिलाओं के लिए बिल्कुल रहेगा। अब बात करते हैं लोन प्रोसेसिंग के विषय में। सबसे पहले नो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा क्राइटेरिया कितनी एलिजिबिलिटी का है। अप्रोच द बैंक एंड अप्लाई थ्रू PMEGP पोर्टल। फिर हम बैंक से अप्रोच करेंगे या PMEGP पोर्टल के थ्रू अप्लाई करेंगे। फिर सैंक्शन ऑफ लोन होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग अगर आप ईडीपी की करते हैं वो करना जरूरी है अगर आप सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद में आपका लोन डिस्बर्समेंट हो जाएगा। बहुत ही आसान रहेगा और बहुत ही आसान होता है। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया से। मिलते हैं आप सभी से अन्य जानकारी के साथ हमारी अगली वीडियो में। और अन्य जानकारी के लिए यदि आप हमें कॉल करना चाहते हैं हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0111-4476-2488 पर। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में। तब तक आपके विचार, आपके सुझाव, आपके सवाल हमें कमेंट करके बताते रहे, क्योंकि सर अगर आप नहीं बताएंगे तो हम कैसे जानेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।